नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के लिए लोक प्रशासन विषय की टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2 जून 2019 को यूपीएससी प्री परीक्षा हो चुकी है। आप सब लोग जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, अब तक जांच भी कर चुके होंगे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कि कौन किस स्थिति में है, किसकी कितनी संभावनाएं हैं मुख्य परीक्षा में शामिल होने की। जो लोग लगभग निश्चिंत हैं कि मुख्य परीक्षा देने ही जा रहे हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं कि जो 50-50 वाली स्थिति में हैं, मुख्य परीक्षा दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। हर स्थिति में अब सही समय है ये कि मुख्य परीक्षा की तैयारी को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाया जाए। 2019 की मुख्य परीक्षा देनी है तब भी, और नहीं देनी है परीक्षा तब भी, ये सही समय होता है मुख्य परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करने का, एक सही दिशा और धार प्रदान करने का। 2018 के हम फाइनल रिजल्ट देखें तो लोक प्रशासन विषय में अब काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी और साथ में हिंदी माध्यम में भी। हमारे संस्थान के ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी मीडियम में 500 में से 270-275+ नंबर आए हैं, और एक नहीं कई सारे लोगों को। और ये नंबर लगभग उस लेवल के नंबर हैं कि अगर जीएस और बाकी पेपर्स में अगर लगभग इस लेवल के नंबर हैं तो आप टॉप 100 या टॉप 200 में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो पिछले कुछ सालों से लोक प्रशासन विषय को लेके भ्रम की स्थिति थी कि इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं यूपीएससी की परीक्षा में या रिजल्ट नहीं है, 2018 के रिजल्ट और मार्कशीट देखने के बाद अब ये भ्रम की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई है। और जो लोग लोक प्रशासन विषय को लेके तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं लोक प्रशासन विषय से तैयारी के बारे में, वो बड़ी निश्चितता पूर्वक अब लोक प्रशासन विषय पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 275+ नंबर किसी भी ऑप्शनल में आज की डेट में एक बहुत अच्छे नंबर हैं, जो आपको सफलता सूची में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है। लोक प्रशासन विषय के साथ तो जो और एडिशनल बहुत सारी महत्व की बातें हैं कि ये विषय आपको निबंध या जीएस के भी बहुत बड़े सेक्शन में मदद करता है। लोक प्रशासन विषय ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को निबंध में 140+ नंबर ही लगभग सबको आए हैं, एथिक्स में सबके नंबर 100+ हैं, पॉलिटी गवर्नेंस में नंबर 100+ हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो लोक प्रशासन विषय फिर से एक बहुत उभरता हुआ विषय बना है 2018 के रिजल्ट के बाद। तो ऐसी स्थिति में पूरे समर्पण, पूरी वचनबद्धता के साथ अब समय है कि हम लोक प्रशासन विषय की तैयारी में लग जाएं। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनको 19 सितंबर से होने वाले मेंस में शामिल होना है, तो वैसी स्थिति में कम समय का हम कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें, जो हमारी तैयारी है उसको अंतिम रूप दें, उसमें टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोग जो 2019 मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो विषय की तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब एक अच्छी समझ और एक अच्छा नोट्स, इन दोनों लेवल पर उनकी तैयारी पूरी हो गई होगी। तो अब ये जो समय है एक और महत्वपूर्ण काम करने का कि हम अपनी लेखन शैली का विकास करें, और इसके लिए प्रश्न अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। अक्सर आपने सुना होगा कि आईएएस की मुख्य परीक्षा में राइटिंग स्किल या लेखन शैली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इतना महत्वपूर्ण कि जो आपकी सफलता और असफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। बचपन से विज्ञान की परिभाषा हम पढ़ते आए हैं, विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान।
और अगर कला की बात करें तो कला का मतलब होता है विशिष्ट और व्यवस्थित अभ्यास। हम अपनी कला का जितना निरंतर अभ्यास करते हैं, उस कला में उतने ही बड़े कलाकार बनते हैं और उतने ही उस कला में माहिर होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं लेखन शैली या लेखन कला की, राइटिंग स्किल की। स्वाभाविक सी बात है कि ये भी एक कला है जो हम बाई बर्थ इस कला के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि अभ्यास के द्वारा हमें इस कला को सीखना होता है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक शायद बहुत जरूरत नहीं होती है इस कला की, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरीके से नोट्स तैयारी होती है, उसी तरीके के प्रश्न होते हैं, आसानी से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब तक हमने पहले से उनका अभ्यास नहीं किया है, तब तक उनके सही तरीके से उत्तर लिखने में कई सारी समस्याएं होती हैं। जितने सफल स्टूडेंट हैं, लगभग सबका समान रूप से कहना है कि जब तक हम 30 से 40 हजार शब्द लिखने का अभ्यास नहीं कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के पहले, तब तक मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों की उम्मीद नहीं कर सकते। 30 से 40 हजार शब्द मतलब लगभग 10 साल के प्रश्नों को सॉल्व कर लेना, या दूसरे शब्दों में कहें तो 300 से 400 प्रश्नों का अभ्यास कर लेना। जब इतना महत्व है लेखन शैली का, तो क्यों नहीं फिर हम इस लेखन शैली के विकास के लिए प्रयास करें, और उसके लिए टेस्ट सीरीज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछना बंद हो गए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। परिणाम स्वरूप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो गए। 28 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, 28 प्रश्न सेकेंड पेपर में, मतलब 56 प्रश्न पूछे जाने हैं। सिलेबस में कुल 26 यूनिट हैं और 56 प्रश्न पूछे जाने हैं, मतलब औसतन हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी यूनिट, ऐसी स्थिति में पूरे सिलेबस को बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना और फिर उनसे जुड़े हुए संभावित प्रश्नों का अभ्यास करना निस्संदेह हमारे अंकों में काफी बड़ी मात्रा में वृद्धि कर सकता है। एक पेपर में 3 घंटे में हमें लगभग 3000 से 3400 शब्द लिखने होते हैं। अगर हमने पहले से अभ्यास नहीं किया है, तो फिर निश्चित समय में सही उत्तर लिखना, एग्जाम हॉल के प्रेशर में सही उत्तर लिखना हमारे लिए कठिन हो जाता है। 150-150 शब्द या 250 शब्द के जहाँ प्रश्न हैं, हर 5 मिनट बाद एक नया प्रश्न, आधा मिनट 1 मिनट हमें उस प्रश्न के आंसर को सोचने में लगता है, उसका आंसर फॉर्मेट करने में लगता है, तो वैसी स्थिति में 3 घंटे में से हमारा काफी समय तो केवल हर प्रश्न पे उसके आंसर फॉर्मेट में ही खराब हो जाता है। तो अगर पहले से हमारी उतनी तैयारी नहीं है कि बहुत तेजी से हम सही आंसर लिखें, निर्धारित शब्दों में लिखें, तो फिर अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है कि कई बार कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, हम पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते, या कई बार आंसर तो लिख देते हैं लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि शायद हमने जो प्रश्न की एक्चुअल डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत उससे भटक गए। इन सारी समस्याओं, चुनौतियों से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम पहले से ही राइटिंग स्किल डेवलप करें और प्रश्न अभ्यास करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यूपीएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 10 टेस्ट यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं और बाद के 4 टेस्ट ओवरऑल सिलेबस के, कुल 14 टेस्ट। एक टेस्ट पेपर में 56 प्रश्न, तो अगर सॉरी एक टेस्ट पेपर में 28 प्रश्न, तो अगर 28 × 14 करें तो लगभग हम 350 से 400 प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं।
और इतने प्रश्नों के अभ्यास के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य परीक्षा में शामिल हम जब हम होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। जो बड़ी बड़ी और ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उनको अलग अलग हमने टेस्ट पेपर के रूप में किया है, जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण छोटी यूनिट हैं तो दो तीन यूनिट को आपस में मिलाया गया है। लास्ट में दो पेपर पूरे फर्स्ट पेपर के और दो पेपर पूरे सेकेंड पेपर के हैं। डिटेल जानकारी आपको वीडियो के साथ जो लिंक है उस पर मिल सकती है। हम अगर इस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से शामिल हों, तैयार कर लें सारे सिलेबस को, तो हम आईएएस में भी अब की डेट में 280 प्लस नंबरों की उम्मीद कर सकते हैं, लोक प्रशासन विषय में मतलब सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद।